ये है अमित। अमित लीलापुर नाम के गांव में रहता है। पूरे गांव में अमित और उसके दोस्त सुमित को प्यार से बेवकूफ, कामचोर और बेशरम के नाम से पुकारते हैं लोग। अरे बेटा अमित, जरा इस लाइट को दुकान में लगा दे बेटा। अभी लगाता हूँ चाचा जी। अरे रे रे, आराम से बेटा। अब चिंता मत करो चाचा जी, मैं हूँ ना। अरे इस बात की तो चिंता है। अमित बल्ब लगा रहा होता है कि पीछे से सुमित भागते हुए आकर अमित से टकरा जाता है और दोनों एकदम से जाकर दुकान में रखे जलेबियों के ऊपर गिरते हैं। अबे गधे के बच्चों, ये क्या कर दिया तुमने मेरे दुकान को? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ये कहकर जलेबी वाला अमित और सुमित को खूब मारता है। दफा हो जाए यहाँ से। अमित और सुमित वहाँ से भागकर अमित के घर जाते हैं। फिर से क्या कांड करके आए हो? बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। तेरी मुर्गी फिर से भाग गए हैं। इससे पहले कि वो कुछ कांड करे, जाकर पकड़ ले उसे। ये मुर्गे। अमित भागते हुए जाकर एक साधु बाबा से टकरा कर उसके ऊपर गिर जाता है। मार्क, इतने बड़ी सड़क है और मैंने दिखाया नहीं तुझे। इधर बाबा गुस्से में अमित पर चिल्ला रहा है और सामने से एक कौवा जोर जोर से पुकार रहा है। अबे चुप हो जा रे। मुझसे बदतमीजी कर रहा है मार्क। अबे हट बेवकूफ, कब से देख रहा हूँ। हाँ गलती से टकरा गया, इसमें कौन से बड़ी बात है? मैं ब्रिंजाल बाबा इस गांव को शाप देता हूँ। आज के बाद जब भी कोई इस गांव में नजर आया तो उसे ये कौवा कच्चा खा जाएगा। ये कहकर बाबा उस कौवे को अपनी शक्तियों के मदद से बड़ा करके वहाँ से चला जाता है। बाबा वहाँ से जाते ही कौवा सबको मारना शुरू कर देता है। अबे अमित के बच्चे, तू अकेला काफी नहीं था, जो इस कौवे को भी लेकर आ गया। सब भागकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। उस दिन से लीलापुर गांव में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। इंसान तो छुपके से जाकर अपनी जरूरतें पूरे कर रहे थे, लेकिन उनके पलटू जानवर उसका शिकार बन रहे थे। वो एक दिन किसी की बकरी लेकर जाता तो अगले दिन किसी की गाय लेकर जाते हैं। गांव वाले उस कौवे से बहुत परेशान होने लगते थे। एक दिन मीना छुपके से अमित के घर आते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है रे? बेवकूफ गद्दी, ये क्या कर दिया तूने? मीना अमित को डांट रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर सुमित आता है। बाय बाय, क्या काम किया है? ये कौवे को राक्षस बना दिया। अबे तेरे ता। आओ आओ महापुरुष, आपका ही इंतजार था। मीना दीदी। दीदी के बच्चे, मजाक लग रहा है तुझे ये? नहीं दीदी। मैं और अमित जंगल में ब्रिंजल बाबा के पास जाएंगे और अमित वहाँ पर बाबा से माफी मांगेगा। जब तक आप लोग नहीं जाते मैं यही रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ही, अच्छा बेटा, और क्या करेगा? जब तक हम जंगल में नहीं पहुँच जाते तू उस कौवे को बिजी रखेगा। लेकिन कैसे? दिखा दे आज अपने बंदरों वाले हरकते। सुमित पहले निकलकर कौवे को छेड़कर अपने ओर ले जाता है। सुमित भागने में तेज और बचकर निकलने में माहिर था। वो उस कौवे को गोल गोल घुमाकर उसे बहुत परेशान करता है।
सुमित उस कौवे को घाव के बाहर मैदान में लेकर जाता है और किसी तरह उस कौवे को चकमा देकर पेड़ से टकरा देता है। यहाँ अमित और मीना चुपके से जंगल में बाबा के पास जाते हैं। मूर्ख, तुम यहाँ भी आ गए? बाबा जी, इस बेवकूफ की वजह से आपने जो श्राप दिया, सारा गांव परेशान है और हमारे एक दोस्त की जान खतरे में है। माफी मांग। बाबा, बैगन के ब्रिंजाल बाबा, माफ कर दीजिए। सच में हमारे दोस्त की जान खतरे में है। चलो गांव चलते हैं। बाबा अमित को माफ करके उसके साथ गांव चलते हैं, उन गांव वालों को उस कौवे से आजाद करने के लिए। मीना, अमित और ब्रिंजल बाबा सुमित की जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी आते हैं और वहां का नजारा देखकर उनके आंखें खुले ही खुले रह जाते हैं। हे दीदी, आम का होगी क्या? ये नहीं सुधरेगा। ये गांव वाले तो राक्षस से भी खतरनाक है।